हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडोज। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ डेली मॉर्निंग करंट अफेयर्स का वीडियो। आज है 20 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मामियो कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में। मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क की सुपर मॉम का निधन हो गया है। कॉलर वाली बाघिन के नाम से मशहूर इस बाघिन ने सबसे ज़्यादा 29 शावकों को जन्म दिया था, जो एक रिकॉर्ड है। इस बाघिन का जन्म पेंच नेशनल पार्क में साल 2005 को हुआ था और साल 2008 में उसने पहली बार बच्चों को जन्म दिया। साल 2008 से लेकर 2021 तक बाघिन 8 बार माँ बनी और उसने कुल 29 शावकों को जन्म दिया था। चलिए आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल जी। कैपिटल भोपाल। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 53। नेशनल पार्क है यहाँ पे कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, वन विहार, माधव और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व्स। डैम्स है इंदिरा सागर, बंसागर और गांधी सागर डैम। मेन डैम से यहाँ के मटकी, राय और नौराता। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडोज को ज्वाइन करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवारों की जो मामलों की निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करेगा। इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि प्रौद्योगिकी उपयोग और मानव हस्तक्षेप के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस प्रसिद्ध पर्यावरण विद का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एम के प्रसाद जी का। केरल के साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीन स्तर के आंदोलन में अग्रणी रहे प्रसिद्ध पर्यावरणविद प्रोफेसर एम के प्रसाद का निधन हो गया है। वे 89 वर्ष के थे। प्रसाद 1970 के दशक में पलक्कड़ जिले में साइलेंट वैली में एक जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के राज्य सरकार के कदम के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे एक मार्गदर्शक शक्ति थे। चलिए चलते हैं, आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे एम के प्रसाद जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से कितने एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6 एयरबैग। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से 6 एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया को शुरू कर दी है। भारत में बिकने वाले सभी कारों के लिए एयरबैग अनिवार्य कर दिए जाएंगे। हालांकि 1 जुलाई 2019 से चालक की सीट के लिए एयरबैग के नियम को अनिवार्य कर दिया गया था। सहयात्री के लिए एक एयरबैग का नियम 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ था। हालांकि कई भारतीय कारों के टॉप वेरियंट में पहले से ही 6 एयरबैग आते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेणु भाटिया जी को। हरियाणा सरकार ने एनआईटी फरीदाबाद की रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए हुई है। रेणु भाटिया ने 2008 में बनी 42 मिनट की शॉर्ट फिल्म टोक्यो ड्रामा बेंजीर एक हत्या में मुख्य किरदार निभाया था। इसके अलावा आयोग की उपाध्यक्ष प्रीति
भारद्वाज का कार्यकाल एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये है रेणु भाटिया जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डेनिस अलीपोव को किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडिया देश में। डेनिस अलीपोव को भारत में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। उनके पास भारत से संबंधित दशकों पुराना अनुभव होने के साथ ही उन्हें समर्पित भारत विशेषज्ञ माना जाता है। रूसी दूतावास ने कहा है कि अलीपोव जल्दी निकोलाय कुदाशेव की जगह लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की लगातार दूसरे साल फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने हैं। बायर्न म्यूनिख के लिए खेलने वाले लेवांडोव्स्की ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने कुछ दिन पहले अपना 7वां बैलन डी'ओर जीता था। लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सालेह भी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बनने की रेस में थे। चलिए चलते हैं आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका देश ने। हाल ही में अमेरिका ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति व्यवधानों के खतरे से अमेरिका की रक्षा करना और इन तत्वों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना था, चीन पर इसकी निर्भरता को कम करना है। चलिए चलते हैं आपको अमेरिका के बारे में बताते हैं। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है जो बाइडन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी यूएस डॉलर, नेशनल डे 4 जुलाई है। नासा स्पेस एजेंसी अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सलामी बल्लेबाज उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद 18 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग बिग बैश में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। भारत को साल 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाने वाले कप्तान उन्मुक्त बिग बैश में मेलबर्न रेनगेट्स की टीम की तरफ से खेल रहे हैं। इस टीम के कप्तान ऑस्ट्रेलिया के टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान एरोन फिंच कर रहे हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं उन्मुक्त चंद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 54%। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक ताजी डील में रोबोटिक्स स्टार्टअप की 54% हिस्सेदारी खरीद ली है। यह सौदा रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल यूनिट रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के जरिए किया गया है। रिलायंस रिटेल ने यह डील $132 मिलियन यानी कि 985 करोड़ रुपए में की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस वरिष्ठ नौकर शाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक यानी CMD नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विक्रम देव दत्त जी को। वरिष्ठ नौकर शाह विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत दत्त को एयर इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया है। विक्रम देव दत्त AGMUT यानी अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम और संघ शासित कैडर के 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF का स्थापना दिवस
मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 19 जनवरी को। हर साल 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार एनडीआरएफ का स्थापना दिवस होगा। एनडीआरएफ का आपदा या संकट की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। एनडीआरएफ हर संकट और आपदा की स्थिति में अपना पूरा योगदान देती है। चलिए चलते हैं, पिछले दिन के वन लाइन करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। हाल ही में हरियाणा राज्य ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की है। साउथ अफ्रीका देश ने पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह को लॉन्च किया है। एईपीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र कुमार गोयनका जी को नियुक्त किया गया है। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने भरत वरुण को अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में नौमी ओसाका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नौवीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में सुमित बाले ने स्वर्ण पदक जीता है। खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निदेशक अविनाश पांडू जी को नियुक्त किया है। उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई दाखिला पोर्टल अब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है। मिसेज वर्ल्ड 2022 के विजेता के रूप में साइलेंट फोर्ट को ताज पहनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं आंसर ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी 16 जनवरी को। क्वेश्चन टू था, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पासेक्स अभ्यास आयोजित किया है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए रशिया देश की नौसेना ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। पहला क्वेश्चन आज का, भारत सरकार ने कोविड टीकाकरण के कितने वर्ष पूरा होने पर डाक टिकट जारी किया है। क्वेश्चन टू आज का, किस शहर में पहली बार डीटीसी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए अपने चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को ज्वाइन करना न भूलें।